फर्स्ट डे एयरपोर्ट से आने के बाद हम सीधा होटल गए और बिना समय गंवाए हमने वहाँ से टैक्सी में सीधा पहुँच गए कसिनो। और ये डेल्टिन कसिनो का रिसेप्शन है। आजकल रेट इतने हाई हैं कसिनो के कि किसी को लगता है कि ऑफ सीजन है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। पहले की सारी टिकटें बिक चुकी थी, हमें VIP टिकट ओनली 5500 पर पर्सन की टिकट मिली। फिर भी प्राइस वाइज बैंड पहना दिए गए हैं। 5500 में आपको मिलता है फूड, अनलिमिटेड फूड, इंटरटेनमेंट सिस्टम, कसिनो का एक्सेस, अनलिमिटेड लिकर, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स। बस फ़र्क इतना है, इससे कम रेट वालों में आपको जो है जो लिकर है, जो पीने वाले हैं लिकर, आपको फॉरेन लिकर नहीं मिलेगी क्योंकि वैन से आपको देख लिया जाता है। यहाँ पर और भी कसिनो हैं, डेल्टिन जैक, प्राइड कसिनो, मैजेस्टिक प्राइड और किंग्स कसिनो, और भी काफ़ी कसिनो हैं, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस थी डेल्टिन रॉयल। सो हम डेल्टिन रॉयल में आए। आपकी और भी कोई चॉइस हो सकती है, हर एक कसिनो बढ़िया है, प्राइस वाइज थोड़ा डिफरेंट है, तो आपकी अपनी कोई बेस्ट चॉइस हो सकती है, आप उसके हिसाब से जा सकते हैं। जितना आपका बजट है, जो आपकी लाइकिंग है, आप उस हिसाब से कसिनो को चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे डेल्टिन रॉयल बढ़िया लगा, मैंने वो चूज़ किया। डेफिनेटली हम टुमारो वी विल गो टू सम अदर कसिनो ऑल्सो। आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन आपको फेरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये फेरी ही आपको रॉयल डेल्टिन रॉयल कसिनो तक लेके जाती है, जो कि मांडवी नदी के अंदर हॉल्ट है। उसी शिप के अंदर सारा कसिनो है, आप उसके 3-4 फ्लोर्स हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है वो रिसेप्शन एरिया है, सेकंड पे रेस्टोरेंट एंड इंटरटेनमेंट सिस्टम है, सेकंड पे आपको प्लेइंग भी है लेफ्ट साइड में, थर्ड पे प्लेइंग है, और फोर्थ रूफ टॉप है। वहाँ पर आजकल बारिशों में जो एक्सेस है वो क्लोज है, अदरवाइज वहाँ पर भी रूफ टॉप पार्टी एंड यू कैन टेक एवरीथिंग ओवर देयर।
बोरा सैलेड में है ये सैलेड सैलेड सर आउट टू गो सर एंड इट्स ऑल अबाउट सती कॉलेज हुक्का हुक्का ये हमने लिया गोवा में हमारा ग्रैंड इन होटल और यहाँ से ये बालकनी का व्यू है। बालकनी में वैसे जाली लगा रखी है इन्होंने ताकि बंदर वंदर आते हैं ना तो उनके लिए ये जाली लगा रखी है। अदरवाइज होटल से ये व्यू है, बाहर काफ़ी अच्छा व्यू है और मैडम जी ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं। साइट सीन अच्छा है। वैसे आजकल बारिशें काफ़ी पड़ रखी हैं, यहाँ पे बारिशें पड़ रही हैं, नारियल भी लगे हैं और यहाँ से ज़्यादा कुछ अच्छा व्यू तो है नहीं, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि होटल बहुत अच्छी जगह पे अच्छा लोकेशन है। बट ठीक है, बजट होटल है तो इसलिए हमने ये होटल ले लिया जल्दबाजी में। हमें तो 2 नाइट स्टे करना था तो ज़्यादा भी नहीं है। और वैसे भी हम लोग सोच रहे हैं कि आज पणजी में रुका जाए तो हम लोग यहाँ से शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ये थी बालकनी जस्ट आपको दिखाने के लिए, कभी आप हमारा ग्रैंड में आओ इस तरीके की आपको बालकनी मिलती है और साथ ही मिलता है आपको बेडरूम कोई बहुत ज़्यादा लेविश एंड डिलेक्स नहीं है लेकिन ठीक है फॉर इन बजट ट्रैवलर्स, उसके लिए ठीक है। हमने बजट का नहीं सोचा था लेकिन होटल अवेलेबल नहीं थे नज़दीक में इसलिए हमने ये लिया तो ठीक है। पूल है, काफ़ी छोटा है लेकिन छोटे होटल के हिसाब से काफ़ी। ये यहाँ का पूल एरिया है। जा रहे हैं कलंगूट बीच, तो हमने लिया है टैक्सी गोवा ट्रिप के लिए। तो ये आपको साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा का अलग अलग पैकेजेस हैं। साउथ गोवा का आजकल ऑफ सीजन में 3000 के आसपास का प्राइस रहता है और नॉर्थ गोवा का क्या रहता है 2500 नॉर्थ गोवा का प्राइस रहता है। तो इसमें आपको काफ़ी डिफरेंट जगह पे ले जाया जाता है। आज मौसम काफ़ी ठीक है, कल पिछले तो 5 दिन तक कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही थी। तो ये है कालंगुट का एरिया, कालंगुट के आसपास देखेंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:45 लेकिन रश अभी से स्टार्ट हो गया है तो क्योंकि 4-5 दिन पहले तक कुछ नहीं था यहाँ पे, पूरा बारिश पड़ रहा था। आज थोड़ा लोग निकले हैं, वी आर लकी लिटिल बिट, आगे का पता नहीं मौसम कैसा रहता है। तो जहाँ हमारा होटल है इससे 1.5 किलोमीटर पे कालंगुट बीच है। कालंगुट बीच की मार्केट है, सुबह सुबह खुल गई है, काफ़ी मौसम आज काफ़ी अच्छा है। ऑफ सीजन में अगर आपको आना हो तो कालंगुट बीच का ये मौसम काफ़ी बढ़िया है। नो मैटर आजकल जो वाटर स्पोर्ट्स है, बीच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होती है लेकिन अगर जिसे सिर्फ बीच एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं करनी है तो ये सीज़न काफ़ी अच्छा रहेगा। कालंगुट बीच के ऊपर मैंने दूसरा भी वीडियो बनाया है, आप चैनल में जाके उसको देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल वीडियो है। वहाँ की वेव्स और आजकल समुद्र में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, तो आप अदरवाइज़ वहाँ के एंजॉयमेंट देख सकते हैं। और ये आपको आज दिखाया कसिनो, नाइट में कसिनो था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए। इसी तरीके से और भी वीडियो आएंगे साउथ गोवा के, नॉर्थ गोवा के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।